नमस्कार हिमतक पे एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट के जो भर्ती आई हिमाचल प्रदेश में उसको एज को लेकर बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं। पिछले कल हमने वीडियो डाली थी हिमतक इस चैनल के जरिए सबसे पहले आप तक, और आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा। सबसे ज़्यादा व्यूज जो हिमतक की वो पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती उस पर आ चुके, 10,000 से ऊपर लोग देख चुके, एक दिन अभी हुआ है और बहुत से अच्छा रिस्पॉन्स रहा, आपका लाइक भी अच्छे है। फिर भी उसके बाद जो कमेंट बॉक्स है उसमें सिर्फ आपके कमेंट यही आ रहे हैं कि हम अप्लाई कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ अपनी पोस्ट करें। बहुत से लोग हम आपको पूरी जानकारी नाम से नहीं दे सकते, आप खुद चेक कर सकते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज आपको भी डेट ऑफ बर्थ बताए कि कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो 18 से 23 आपकी एज से ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अब जो मेन है वो हम आपको पूरी डिटेल वाइज हम आपको समझाएंगे, अंत तक देखिएगा वीडियो। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करोगे, ठीक है। तो 18 से 23 चाहिए, ठीक है, 18 से 23 चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1 जनवरी 2019 से काउंट होगी, ठीक है। ये आप नोट रखिएगा कि 1 जनवरी 2019 से पहले आप 18 से ऊपर और 23 से नीचे है तो फिर आप अप्लाई कर पाएंगे। आप काउंट कैसे करेंगे तो वो भी हमने काउंट कर दी है, वो हम सिर्फ आपको दिखाएंगे, आपको पूरी क्लियर हो जाएगी जानकारी इसमें, ठीक है। अब 18 साल से कौन हो गए, ठीक है, तो जिनका जन्म 1 जनवरी 2001 से पहले हुआ है, ठीक है, वो लोग 1 जनवरी 2019 को 18 साल के पूरे हो चुके, ठीक है। जो 1 जनवरी 2001 से पहले पैदा हुए हैं, ठीक है, वो लोग 18 साल के हो चुके हैं, ठीक है, 2001 तक, ठीक है। अब जो आप ये सोच रहे होगे कि 23 साल से ऊपर कौन होगे जनरल के, तो 1996 के बाद और 1 जनवरी 2001 और 1 जनवरी 1996 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। 1996 से जैसे 95 में अगर आप पैदा हुए 1995 में, या दिसंबर 1995 में भी अगर आप पैदा हुए, तो जो आपके 10th के जो सर्टिफिकेट है उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 1996 और 1 जनवरी 2001 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। अगर इससे 1 जनवरी 2001 से ऊपर है, जैसे 2 में हुए आप पैदा, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। और 1996 से अगर कम है, ठीक है, जैसे 1995 में हुए आप पैदा, तो फिर आपकी एज 23 से बढ़ गई होगी, ठीक है। ये जनरल के लिए हम आपको बता रहे हैं। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ईयर जो है आपका 1996 और 2001 के बीच रहेगा, ठीक है। पूरी जानकारी को आप देखिएगा, समझिएगा और उसके बाद पूरी कैलकुलेशन कीजिएगा इसकी। एक बार फिर बता देते हैं, 1 जनवरी 1996 चाहिए जनरल के लिए जो स्टार्टिंग एज है, ठीक है, जिनकी 23 साल होंगे, ठीक है। 1996 में आपके ये 23 साल हो जाएंगे, और जो मिनिमम है वो 2018 से 23 चाहिए, ठीक है। मिनिमम कब होगी आपकी, 1 जनवरी 2001 में अगर आप पैदा हुए तो आप 18 के हो चुके हैं। उसके बाद जो पैदा हुए जैसे 2 फरवरी 2001 में, वो लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, पूरी जानकारी हम बता रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन पर आपकी आ रही है, ठीक है, जनरल के लिए एज बता रहे हम, ठीक है। जैसे मैंने किया डेट ऑफ बर्थ 1996 रखी है 1996 की, और जो काउंटिंग होगी आपकी, जो पुलिस डिपार्टमेंट काउंट करेगी जब आपकी भर्ती होगी, आपकी जो एज काउंट करेंगे उस दिन आपकी एज होगी, अगर 1 जनवरी 1996 है तो आपकी 23 साल तो 1 जनवरी 2019 में होगी, ठीक है। अगर इसके बाद अगर आपकी कम है या ज़्यादा है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, जो गवर्नमेंट के जो रूल है उन्हीं के मुताबिक आपकी भर्ती होगी, ठीक है। एक दिन भी अगर आगे पीछे हुआ तो कोई फिर वो भर्ती नहीं दे पाएगा। अब जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए क्या है, ठीक है, पुलिस भर्ती के लिए आरक्षित वर्ग के लिए आयु जो है 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए, कैसे देखे आयु, ठीक है। तो उनका जो कैलेंडर है इनको देखते, ठीक है, तो पहले मैंने जनरल कैटेगरी की बताई थी 1996, ठीक है, 1996, पर जो जनरल रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए ये एज होगी 1994, ठीक है, 1994, जिनका जन्म 1 जनवरी 1994 के बाद हुआ है, जैसे 2 जनवरी को हुआ है 1994 में, तो वो लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अगर इससे पहले किसी का जैसे 93 में कोई अगर पैदा हुआ है तो वो फिर अप्लाई नहीं कर पाएगा। ये उसी प्रकार से आपके डेमो आ रहा है, ठीक है, काउंटिंग की है हमने पूरी जानकारी आपको क्लियर करने के लिए, पूरे हम काउंट करके लाए कि कैसे आपकी एज फिर क्या होगी, ठीक है।
1 जनवरी 1994 के बाद और 2001 मैंने आपको बता दिया, 1 जनवरी 2001 ठीक है, 18 के तब आप हो गए ठीक है, 1 जनवरी 2001 के बाद और जो उसकी सेम मैंने आपको बता दिया ठीक, और 1994 ये 25 साल के आप हो जाएंगे। तो इससे पहले अगर 1994 के पहले अगर कोई पैदा हुआ है तो वो फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे ठीक है, 1 जनवरी 1994 से पहले अगर कोई पैदा हुआ तो वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। इसके बाद जो 1994 से लेकर आप 2001 जनवरी 2001 तक आप अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो फिर आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। टोटल ईयर, टोटल मंथ, ये जो अभी आपको हम बता रहे थे ठीक है उसी की जानकारी आपको बता रहे, डेट, डेज, आवर, मिनट, सेकंड, पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर हमने पूरी कैलकुलेशन करने के बाद हम आपको ये जानकारी हिम तक इस यूट्यूब चैनल के जरिए दे रहे हैं ठीक है। तो आरक्षित वर्ग के लिए 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए आपकी आयु ठीक है, ये हमने आपको जानकारी दे दी है। अगर आपको इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउटफुल लगता है डिस्क्रिप्शन में हम आपको वीडियो का लिंक दे देंगे जो हमने आपको जानकारी इस चैनल के पर दी थी कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी वो सबसे पहले हमने ही आपको जानकारी दी थी, जितने भी यूट्यूब चैनल है सबसे पहले हमारे द्वारा वो जानकारी दी गई थी। और फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन लगता है ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो फिर आप कमेंट जरूर करिएगा या व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करेंगे ताकि वो आप ग्रुप से जुड़ सके, हम आपको ग्रुप पर ही पूरी इन्फॉर्मेशन दे सके। वीडियो को आपने लाइक जरूर करना, उसके बाद आप हमें बताइए कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ हिम तक इस यूट्यूब चैनल पर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों को जरूर करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन से आप संतुष्ट होगे तो जय हिंद, धन्यवाद।